Welcome on RCA online पाठशाला. Now we start question number 12. Question number 12 को देखो, A equal to ये आपको matrix given है और बोला है कि A inverse find out करो. अब A inverse find out करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को determinant of A find out करना है और वो हमने इस matrix का determinant बनाया और वो हमारा क्या आया, 11. 11 क्या है, not equal to 0. अब ध्यान दो, since determinant of A not equal to 0, therefore A inverse exists. देखो आप ये जो चीज मैंने लिखी है डायरेक्ट, आपको भी ऐसे ही लिखना है फिलहाल तो, और आप इसे सोल्व करके लिखना, लेकिन इसे सोल्व करना, क्योंकि जो आपके समझाने की है केवल मैं उसे ही समझा रहा हूं. और A inverse equal to क्या होगा, 1 upon determinant of A into adjoint of A. ये हम पता नहीं कितने बार यूज कर चुके. अब एडजेंट ऑफ ए सिखा चुका मैं आपको, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने. अब देखो इसे नंबर एक दो, एडजेंट ऑफ ए फाइंड आउट हो गया है. अब देखो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजेंट ऑफ ए पुट इन फर्स्ट में पुट करो तो क्या आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 11, और यहां से क्या होगा, 7 2 माइनस 6 माइनस 2 1 माइनस 3 और माइनस 4 2 5. आपको यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया और ये आपका पहला आंसर आ चुका है, जिसमें क्वेश्चन ने बोला है आपको कि फाइंड आउट ए इनवर्स, ए इनवर्स को ज्ञात करो. तो आपने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है. अब आगे क्या कहा है कि आपको जो सिस्टम दिया गया है इक्वेशंस का, यानी जो रैखिक समीकरण निकाय दिया गया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसको सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब आपके पास इसके दो ऑप्शन है, या तो आप क्रेमर रूल का यूज करो, और क्रेमर रूल का यूज नहीं करते हो तो आप मैट्रिक्स फॉर्म का यूज करो. अब देखो अगर ये क्वेश्चन में ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं कराता तो मैं इसे क्रेमर रूल से करने के लिए बोलता, लेकिन अब आपने पूरी मेहनत तो कर दी ए इनवर्स फाइंड आउट करने में ही, अब ए इनवर्स आ ही गया तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में करो. तो देखो आप यहां पे लिखो, गिवन दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, और वो क्या है आपके पास, ये है दिया है, समीकरण निकाय है, या हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं दिया गया समीकरण निकाय है, और फिर ये लिख दो, दोबारा सुन लो, दिया गया समीकरण निकाय है और फिर ये लिख दो, उसके बाद देखो अब आगे कैसे सोल्व होगा. आगे ध्यान देना, इसको आप किसमें बदलोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, या आप लिख सकते हो यहां पे चेंजिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. ये चेंजिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, तो देखिए कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज होगा, ध्यान देना. वन माइनस टू और 10, वन माइनस टू और 0, ऐसे ही 2 1 3 और 0 माइनस 2 और 1. ये क्या आ गया, ये तो ए ही आ गया, अभी आपने जो यहां पे लिखा हुआ था उसको हटाया था, ए ही तो है ये. उसके बाद ये क्या है, एक्स वाई और जेड, और यहां पर क्या आएगा, टेन 8 7, ये लो. अब उसके बाद देखो क्या आ गया, ध्यान देना, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल इस क्वेश्चन में एक चीज आपको पता लगानी थी और वो ये थी कि
इसका ए इनवर्स पहले ही क्वेश्चन ने बता पूछ लिया। देखो क्वेश्चन हमारा अब तक होते थे भी आंसर हो रहे, लेकिन अब क्वेश्चन ने पहले हमें ए दिया और उसका ए इनवर्स फाइंड आउट करा लिया, और अब हमने इस पे देखा तो ये तो हमें वही ए मिल गया, ये लिख दिया ए। और यहां पे ये क्या है, एक्स इक्वल टू और बी। अब यहां से क्या होगा, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, तो क्या होगा ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और यहां से क्या होगा आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी और एक्स इक्वल टू में ए इनवर्स बी, ये आपके पास आ गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहां तक आपका मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखो, वैल्यू ऑफ एक्स ए इनवर्स एंड बी पुट इन अबोव कंडीशन या इक्वेशन, एक ही बात है। उपरोक्त समीकरण में एक्स ए इनवर्स तथा बी का मान रखने पर, अब देखो एक्स की जगह क्या रखोगे, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स की जगह 1/11, और ये आपका ए इनवर्स रहा, क्या आएगा 7 2 -6 -2 1 -3 और -4 2 5, और उसके बाद में आपके पास क्या है 10 8 7, ये हो गया। अब उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो, तो देखिए इन क्वेश्चंस की सब में टफनेस तो नहीं है, हार्ड तो नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन इनकी लेंथ इतनी बड़ी है कि जब आप सोल्व करोगे तो कोई छोटी बहुत मिस्टेक अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो होने का खतरा बहुत रहेगा, इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, ताकि कोई एरर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो, और वो एक्सरसाइज से ही होगा। देखिए अब एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/11, और देखो आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 44 -33 और यहां पे 11 हो गया। अब ऐसे ही सोल्व करना है, अब आप इसको सोल्व करना है, तभी आप मेरी तरह लिखो, भाई मेरे को तो पढ़ाते काफी साल हो गए तो क्वेश्चन ही याद होगा एक तरीके से। तो देखिएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू, आप इस 11 को अंदर ले जाओ तो क्या आएगा 4 -3 1, हो गया ना, 11 4 = 44, 11 3 = clear, और यहां क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग क्या होगा एक्स इक्वल टू 4 y इक्वल टू -3 और जेड इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 y इक्वल टू -3 और जेड इक्वल टू 1, यही आपका क्या है आंसर है, कंप्लीट हुआ।